लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का न्याय पत्र जारी कर दिया गया है, जहां कांग्रेस के न्याय पत्र पर सियासत का सिलसिला रफ्तार पकड़ रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस के न्याय पत्र पर निशाना साधा, तो वहीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने न्याय पत्र की विशेषता बताई है। नेत्रियों को अपमानित करते हो, वो क्या ही अधिकार मैत्री के तहत महिलाओं को उनको हक के लिए जागरूक करेंगे। इतने सालों के अंदर, इतने वर्षों के अंदर देश के अंदर राज करने के बाद कांग्रेस ने, चाहे महिला आरक्षण की बात हो या महिलाओं की योजनाओं की बात हो, महिलाओं को सम्मान देने की बात हो, अगर किसी ने देश के अंदर किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ तक अल्पसंख्यक बहनों को, उनके जीवन को नरक से स्वर्ग बनाने का काम, ट्रिपल तलाक समाप्त करके अगर किसी ने देश के अंदर किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तो ये कांग्रेस का न्याय पत्र, ये झूठ का पुलिंदा और अन्याय का पत्र है, इसलिए देश इस बात को समझता है। आप ये देखिए कि जो कांग्रेस का न्याय पत्र है, इसमें 5 गारंटी प्रमुख रूप से दी गई है। देश के नौजवानों के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए, श्रमिकों को, जो देश के सबसे अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, उसको एक समयबद्ध आर्थिक योजनाओं का लाभ देने के लिए, किसान की MSP के लिए, समर्थन मूल्य के लिए, और प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन लागत बड़ी है उसके अनुसार किसान को सब्सिडी और अन्य मदद करने के लिए, और सबसे बड़ी चीज़ है जो देश का बेरोजगार नौजवान है, जो देश में केंद्र सरकार के, राज्य सरकारों के हजारों लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, खास तौर से अनुसूचित जाति जनजाति के जो पद खाली पड़े हुए हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में, इनको हम भरेंगे और लाखों नौजवानों को इस देश में रोजगार देंगे।